अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अखरोट का बहुत ही डिलीशियस सा हलवा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये हलवा ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए मैंने एक बॉल अखरोट लिए हैं, इसको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। मैंने इसका ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है। अगर आप इसको ऐसे क्रश करेंगे थोड़ा सा तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। हाफ बॉल मैंने काजू लिए हैं, इसको भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है ग्राइंडर में। 6 टेबलस्पून शक्कर है, शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद हो। ये 3 टेबलस्पून घी है, ये 6 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। अच्छे से मेल्ट हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अखरोट। मैं इसमें ऐड करूंगी इस काजू का पाउडर। अब इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। आप जब भी हलवा बनाए ना तो आप लो फ्लेम पे बनाए। देखिए अच्छे से अभी फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी मिल्क पाउडर में मैंने 1 कप दूध ऐड किया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। आप ऐसे डालेंगे तो हलवे में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। अभी देखिए अभी ये पैन से अलग हो रहा है, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब हम शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। अभी आप जब कभी ऐसा हलवा बनाएं तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी इसमें कम डालें, ज़्यादा ना ऐड करें घी। घी डालेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा हलवे में। देखिए अभी अलग हो रहा है पैन से, अब हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हम इसे अब डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, अखरोट का हलवा भी रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।